हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो इस वीडियो में मैं आपको पोपेक्सो माइग्लैंड की तरफ से न्यूली लॉन्च शीट मास्क का रिव्यू देने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको मैं इसकी जो अच्छी चीजें लगी वो भी बताऊंगी एंड साथ ही साथ जो मुझे बुरी लगी वो भी बताऊंगी, वो भी लाइव, क्योंकि मैंने अभी जस्ट शीट मास्क मंगवाए हैं एंड मैंने उन्हें खोला भी नहीं है। तो मैं आपके सामने अभी खोलूंगी एंड लिटरली यूज करूंगी एंड फिर आपको बताऊंगी कि ये हाइड्रेटिंग है या नहीं, या ये जो चीजें क्लेम करता है वो एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे हिट कर देना ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और नहा के आते ही मुझे रिसीव हुआ था ये पार्सल जिसके अंदर शीट मास्क मैंने मंगवाए थे। और लिटरली इन्होंने जितने भी शीट मास्क लॉन्च किए हैं अलग अलग, उसमें लाइक इन्होंने एक कुकुम्बर का किया है, एक कामोमाइल का किया है, सो मैंने वो सारे ही मंगवा लिए थे क्योंकि मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगे। साथ ही साथ मुझे इनकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल लगी जो कि है शायद 99 रुपीज। बाकी मैं भी आपको इसको खोल के दिखाऊंगी और प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। सुबह भी नहाकर आई थी, फेस वॉश भी किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो पार्सल आ गया है ट्राई भी कर लेते हैं, अलग से फेस क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फटाफट से इस पार्सल को खोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शीट मास्क कैसे हैं। सबसे पहले तो प्लीज मेरे बालों को इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था इसलिए थोड़े फ्रीजी फ्रीजी से लग रहे हैं, पर मुझे ये ट्राई करना था अभी तो मैंने चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ साथ में। तो ये मैंने सारे मंगवा लिए थे एंड ये मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ अभी। ओके, इसके अंदर मैंने एक ये माइग्लैम का वाइप आउट भी मंगवाया था। सो मुझे इसके ना ये वाइप आउट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लिटरली सैनिटाइजिंग का जो भी सामान होता है ना वो भी अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने मंगवाया था। सो ये कुछ इस तरीके से आता है, इसमें 5 का भी पैक आता है, बड़ा भी पैक आता है, जैसा आप लेना चाहें। सो ये सैनिटाइजिंग वाइप्स है एंड हाँ ये 5 इंडिविजुअली पैक वाइप्स है। इसके बारे में भी अगर आपको चाहिए होना कि मैं इसके अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बताना क्योंकि मैं बहुत यूज करती हूँ एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो जो मैंने शीट मास्क मंगवाए हैं ये 4 शीट मास्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 हैं ये, 4 में से एक मैंने डबल मंगवाया हुआ है इसलिए। तो इन्होंने 3 शीट मास्क लॉन्च किए हैं पोपेक्सो ने, जिसमें से सबसे पहला है सन डोनर सुपर स्मूथिंग या कैमोमाइल जैसे भी आप बोल सकते हैं। सो ये इस तरीके से पहला शीट मास्क है जो काफी अच्छी पैकेजिंग में इन्होंने रखी है ना, शीट मास्क की जैसी होती वैसी रखी है बट कलरफुल रखी है। पोपेक्सो अपने सारे प्रोडक्ट्स ना कलरफुल निकालता है। सो ये वाला है पहला शीट मास्क। सेकेंड शीट मास्क है D10 इंसेंट ब्राइटनिंग एंड योगर्ट शीट मास्क। ये वाला मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा तो ये वाले मैंने 2 मंगवाए हैं, एक ये है एंड ये है। ये वाले मैंने 2 मंगवाए हैं क्योंकि योगर्ट वाला था ना तो मुझे काफी अच्छा लगा, एक मैंने मेरे हस्बैंड के लिए दोनों के लिए मंगवा लिया। सो ये वाला शीट मास्क मंगवाया है एंड थर्ड वन जो इन्होंने लॉन्च किया है वो है डीप मॉइस्चराइजिंग कुकुम्बर शीट मास्क। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग है ये सारे शीट मास्क जो लॉन्च किया है एंड की पैकेजिंग काफी, मतलब इनकी पैकेजिंग काफी कलरफुल रखी है इन्होंने, काफी मस्त आइटम्स रखे हैं। पोपेक्सो के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना काफी कलरफुल चीयरफुल होते हैं। सो ये सारे शीट मास्क हैं, इन्होंने 3 वेरिएंट में लॉन्च किए हैं, काफी अच्छे शीट मास्क हैं। अब इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग तो अच्छी है ही, साथ ही साथ इसकी प्राइस भी ना बहुत अफोर्डेबल है। ये इंडिविजुअल रिटेल करता है 99 रुपीज, बट इसकी वेबसाइट यानी माइग्लैम की वेबसाइट पे आपको कमाल के ऑफर्स मिल जाते हैं एंड लिटरली शायद ये ऑफर में मुझे 75 और 78 रुपीज का 1 पड़ा है, इसलिए मैंने सारे मंगवा लिए थे। सो 99 इसकी रिटेल प्राइस है बट आपको ऑफर में ये 75-79 अंडर 80 रुपीज आपको इजिली मिल जाएगा। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं जो इसकी लिंक है वो आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप इजिली परचेज कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि ये बहुत अफोर्डेबल है एंड इसके अंदर 3 डिफरेंट वेराइटीज मिल जाती है एंड सबसे बड़ी बात यह मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है और इस टाइम मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हम ज्यादा यूज करते हैं। हमारे खुद के देश में बना हुआ प्रोडक्ट अगर हम यूज ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इसकी खास बात यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल शीट है, यानी यूज करने के बाद अगर आप इसे डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं भी डाल देते हैं, कहीं भी मत डालना डस्टबिन में डालना, बट अगर ये कहीं भी चला जाता है तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो माइग्लैम ने पोपेक्सो ने ये वाली चीज बहुत ही अच्छी बनाई है कि जो ये शीट मास्क है ये बायोडिग्रेडेबल बनाया है, क्योंकि आज के टाइम में ना हम लोग शीट मास्क बहुत यूज करते हैं, लाइक स्किन केयर भी करते हैं बट शीट मास्क क्या है, फटाफट से ओपन करो इस पे लगा लो एंड बाकी अपना काम करते रहो एंड 15-20 मिनट बाद आप इसे इजिली रिमूव कर सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं इन्होंने इसको बायोडिग्रेडेबल शीट बनाया है,
जो कि इसकी बहुत ही खास बात है। अब मैं आपको सारे शीट मास्क के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये शीट मास्क किस पर्पस के लिए बनाया गया है वो बता देती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि शीट मास्क आपको यूज कैसे करना है। सो सबसे पहला जो शीट मास्क है मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये योगर्ट वाला शीट मास्क है एंड ये ब्राइटनिंग पर्पस से बनाया गया है। तो ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग योगर्ट शीट मास्क है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को इवन टोन भी करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे फेस पे सन की वजह से, सनरेज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन बर्निंग हो जाती है, ब्लैमिशेज हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। शीट मास्क है ना, ये आपकी स्किन को एक इंस्टेंट डी टैनिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। और अगर आपके फेस पे लाइक डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है जो कि सन एक्सपोजर की वजह से आया है, तो उनको काफी हद तक फेड आउट कर देता है। ये वाला जो शीट मास्क है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डी टैनिंग की प्रॉब्लम रहती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये वाला शीट मास्क जरूर ट्राई करना। और अभी मैं आपको बताऊंगी भी, आगे ट्राई करके भी बताऊंगी कि भी लिटरली कैसा है, वर्थ बाइंग है कि नहीं, वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा, और अभी खुद मैं आपके सामने यूज करूंगी तभी पता चलेगा। नेक्स्ट जो शीट मास्क है ना वो है फ्रेश स्टार्ट डीप मॉइस्चराइजिंग एंड कुकुम्बर शीट मास्क विद विटामिन सी, नियासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये जो शीट मास्क है ये बनाया गया है कि आपकी जो स्किन है ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची सी लगती है, उस स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, साथ ही साथ आपकी स्किन को कूल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, एंड इसके अंदर विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये शीट मास्क स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा। अब जो शीट मास्क है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी स्किन में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, स्किन रूखी रूखी सी हो जाती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो लास्ट जो शीट मास्क है ये है सन डोनर कैमोमाइल शीट मास्क विद नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, राइस वाटर एंड कैलेंडुला। सो ये वाला जो शीट मास्क है ये स्पेशली बनाया गया है इरिटेटेड स्किन को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम स्किन पे पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स अप्लाई करते रहते हैं, लाइक जिनके एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, उनको कभी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक मेरी तरह। और मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स पहले यूज भी करने पड़ते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या फिर आप इसे मत यूज कीजिए, ये किस स्किन टाइप वालों को ये ज्यादा सूट करता है। आप भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेटेड हो जाती है, लाइक उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते हैं, आपको लगता है कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रेडनेस हो रही है, सो ये वाला कैमोमाइल शीट मास्क आप यूज कर सकते हैं। लिटरली ये आपकी स्किन को काम करेगा और साथ ही साथ आपकी इरिटेटेड स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। ये वाला जो शीट मास्क है ना ये ऑलराउंडर शीट मास्क है, क्योंकि आपकी स्किन को कूलिंग भी देता है, सूदिंग भी करता है, ब्राइटनिंग भी देता है, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। वैसे तो सारे ही शीट मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, बट हर शीट मास्क को अलग अलग इंडिविजुअली रखा गया है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इसमें ऐड किया गया है कि ये वाला शीट मास्क एक्स्ट्रा ये करेगा, कुकुम्बर वाला आपकी स्किन को सूद करेगा, ये वाला आपकी इरिटेटेड स्किन को काम डाउन करेगा, और योगर्ट वाला आपकी स्किन को स्पेशली ब्राइट करेगा। अब जो ये एक शीट मास्क है ये योगर्ट वाला, इसको मैं ओपन कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ, सो अभी नहा के आई थी, मैं यही अच्छा मौका ट्राई कर लेते। तो यहाँ पे दिया हुआ है कट, यहाँ आपको आपको इजिली इस तरीके से करना है, ये इजिली इस तरीके से खुल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये इजिली ओपन हो चुका है, एंड इसके अंदर आपको मिलेगा शीट मास्क एंड बहुत सारा सिरम। लिटरली इसके अंदर बहुत सारा सिरम है, बहुत सारा, मतलब अगर आप इसके इसको किसी बॉटल के अंदर भर लेंगे तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना सारा सिरम एक्स्ट्रा है। सो ये देखिए, आपको इसके कोने में भी दिखाई देगा काफ़ी सारा सिरम है। वैसे तो शीट मास्क के अंदर भी खूब सारा सिरम होता है, अगर आप उसको स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर भी निकलता है, बट इसके अंदर भी काफ़ी सारा सिरम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है। सो इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको शीट मास्क को निकालना है एंड अपनी फेस, नोज, माउथ के अराउंड लगा लेना है, 20 मिनट तक रखना है, एंड उसके बाद आपको रिमूव कर देना है, एंड उसके बाद जो सीरम है उसके अंदर एक्सेस सीरम है उसको आप हैंड्स, लेग्स एंड नेक पे अप्लाई करके मसाज कर सकते हैं। सो मैं शीट मास्क निकाल लेती हूँ सबसे पहले। ओके, ओहो भाई, इसके अंदर सीरम देखो यार, मतलब ये सीरम इसमें से नीचे टपक रहा है, ओह लाइक देखो, इतना सीरम हाथ में आ चुका है अभी। सो
मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन हो चुका है, काफी 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 है। एंड इसकी नोज कुछ नीचे आ जा भाई, इस तरीके से है। सो मैं इसे फटाफट से फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने शीट मास्क लगा लिया है एंड मेरा फेस क्या थोड़ा छोटा है ना, तो शीट मास्क काफी बड़ा इसके हिसाब से। सो हेयर बैंड जरूर लगा लेना, उसके बाद ही शीट मास्क लगाना। सो यहाँ पे मैंने शीट मास्क लगा लिया, लिटरली मैंने इतने सारे शीट मास्क यूज किए हैं। इसके अंदर जो सीरम है ना भाई, ये कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जो सीरम है ना वो बाकी फेस शीट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। लिटरली मेरे हाथ देखिए, अभी मैंने एक बार कर लिया था, दोबारा मैं अगर इस पर लगाऊं तो ये देखिए कितना सीरम है भाई, कितना सीरम है। इसको आप हाथों पे भी, और इसके अलावा इसका जो पाउच है उसके अंदर भी काफी सारा सीरम है। सो आप इस तरीके से फेस पर इसे लगा लेंगे एंड जो भी एक्सेसिव सीरम होगा वो आपको हाथों पे लगा लेना है, नेक पे लगा लेना है, लाइक इस तरीके से भी लगा सकते हैं एंड लेग्स पे भी लगा सकते हैं, जहां भी आप लगाना चाहें। और मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हो गए यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए मेरे हैंड्स। सो सीरम तो इसका काफी अच्छा है। अब मैं इसे ना 20 मिनट तक लगा के छोड़ दूंगी एंड 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ एंड इसके बाद बताऊंगी कि ये लगाने के बाद मुझे क्या चीज के अंदर फील हो रही है एंड लिटरली ये कितना हाइड्रेटिंग है, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मैं लगा चुकी हूँ, 20 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो मैं अब शीट मास्क उतार देती हूँ, 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड मेरे शीट मास्क पे सिंदूर भी लग गया है। मैं भूल गई थी कि मैंने पूजा की थी, सिंदूर लगा रखा था तो ये लग गया है, बट इट्स ओके। सो ये शीट मास्क उतर चुका है एंड 20 मिनट्स बाद भी इसमें काफी सारा सीरम है। सो आप चाहे तो इसको इस तरीके से करके अपने हाथ पे ऐसे करके सीरम निकाल के यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, इसमें काफी सारा सीरम था तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं, अभी मेरे फेस पे ना बहुत सारा सीरम लगा हुआ है, यू कैन सी, एंड मेरे फेस पे ना रेडनेस भी बहुत ज्यादा रहती है। सो ये जो सीरम है, अब मैं इसको हल्का सा फेस पे मसाज कर लूंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि ये जो एक्सेसिव सीरम आपके फेस में रह जाता है आप इसको मसाज कर सकते हैं। सो मैं इसको मसाज कर लूंगी फेस पे ताकि ये पूरा स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एक्सेसिव सीरम होता है, आप उसको नेक पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से एंड हैंड पे भी लगा सकते हैं। सो मैंने काफी सारा तो स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये स्किन में है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, स्किन में चला जाए। पर अब चलिए मैं रिव्यू की बात करती हूँ। सबसे पहली चीज, इसने कहा कि स्किन आपकी हाइड्रेट करता है, तो स्किन मेरी हाइड्रेट हुई है। ये जैसे कि क्लेम कर रहा है कि ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है। इवन टोन में मुझे कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि 20 मिनट लगाने से इतना जल्दी तो इवन टोन नहीं होगा। इसको आप वीकली यूज कर सकते हैं या 10-15 डेज में यूज कर सकते हैं, 3-4 बार यूज करेंगे तब आपको इसका असर दिखाई देगा, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अब इसको यूज करने के बाद मैं आपके साथ इसके अच्छी चीजें और क्या मुझे अच्छा नहीं लगा वो शेयर करूंगी। सबसे पहले इसकी अच्छी चीज बता देती हूँ, इस पे लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, मेरी स्किन काफी मॉइस्चराइज लग रही है और साथ ही साथ सूदिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा कुछ लगाया हो मैंने फेस पे, तो मॉइस्चराइज करता है, सूदिंग भी करता है, काम लग रही है स्किन। इसमें लिखा हुआ है इवन टोन स्किन करता है। अब ये एक बार यूज करने से तो नहीं होगा, लिटरली 3-4 बार यूज करेंगे तब आपको इसका रिजल्ट सामने आएगा। सो मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज किया है, एक दो बार और यूज करूंगी उसके बाद ही बताऊंगी कि इवन टोन करता है या नहीं, बट क्लेम किया है तो मे बी करता हो, 2-3 बार यूज करने के बाद पता चलेगा। तीसरी चीज, बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक ये 99 रुपीज का रिटेल करता है, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा शीट मास्क है, अच्छा काम किया है एंड इसके अंदर सीरम बहुत ज्यादा था। लिटरली मतलब उसको मैं अभी निचोड़ दूं ना तो उसके अंदर बहुत सारा सीरम और निकलेगा। सो काफी अच्छा सीरम था, अच्छा सीरम था, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अब इसकी एक चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो मैं आपको साफ बता देती हूँ, यार ये चिप चिप कर रहा है, मतलब जब लगाया था उसके बाद भी जो सीरम है ना ये चिप चिप कर रहा है फेस पे, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, लाइक थोड़ा हैवी सा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है एंड उसके बाद अगर मेरे फेस पे लाइक इसको मैंने रिमूव कर दिया है अभी आपके सामने एंड 5-7 मिनट हो चुकी है, पूरा स्किन में अच्छे से चला भी गया है, बट उसके बाद भी आप देखेंगे स्किन में ये मेरे अभी भी चिप चिप कर रहा है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सीरम भी ऐसे अच्छे लगते हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं, जो बिल्कुल भी चिप चिप ना करें, बहुत हल्का रहें। सो क्योंकि ये चिप चिप कर रहा है तो मुझे स्किन पे ना थोड़ा ये हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ अप्लाई कर रखा है, जो कि मुझे लगता है ये चीज़ में अच्छी नहीं है। बट अगर आप इस चीज़ से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी शीट मास्क से
अगर इसमें मैं नंबर देने की बात करूँ तो मैं बोलूंगी कि मैं इसको 8 मार्क्स दूंगी, 2 मार्क्स इसलिए काटूंगी क्योंकि एक तो बहुत चिपचिप है एंड दूसरा मार्क्स इसलिए काटूंगी क्योंकि मुझे लगाने के बाद हैवी लग रहा है। अदरवाइज ओवरऑल फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है, काम किया है, सूदिंग किया है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत 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 अच्छा वर्क किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे हिट जरूर कर देना, तभी तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो अगर आपको एक स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहां भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय।